बिस्मिल्लाह रहमान अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू द ऑनलाइन प्लांट फैक्ट्री एक नया टॉपिक नहीं है पुराना टॉपिक है बहुत लोगों ने किया है इसके ऊपर वीडियो बहुत लोगों ने बनाया है मेनी पर्सन मेड वीडियो ऑन दिस टॉपिक हाउ टू तो जनरेट ऑन टिश्यू पेपर ये है उपर, हाँ तो पेपर टॉवल और टिश्यू पेपर्स इसके ऊपर ऑटो जनरेट ऑन टिश्यू पेपर तो रिक्वायरमेंट क्या है इसकी वो समझ लीजिए व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर द जनरेशन ऑफ एडेनियम सीड ऑन द टिश्यू पेपर इस एक प्लास्टिक पॉट चाहिए आपको इस तरह का वन प्लास्टिक पॉट डेप्थ में भी फो तो थी फोर अंगुल वन टू थ्री फोर तो थ्री टू फोर इंच सफिशेंट है थ्री इंच इतनी भी डेप्थ होगी इट विल बी ओके चलेगा ये चाहिए उसका कवर चाहिए जो आप उसको टाइट कर सकें आप टू टिशू पेपर्स चाहिए आपको सीड्स विच हैव बीन सोक्ड बिफोर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर आवर आफ ये हो चुकी है ये अच्छे से सौख हो चुकी है दिखा दे रहा हूँ आपको ये बहुत अच्छे से सौख हो चुकी है ये तो इसको जनरेशन में दिखाऊंगा अबाउट फिफ्टी सीट्स हैं के तो इनको जनरेशन करता हूँ और स्टेप बाय स्टेप जो है चार पाँच दिन में जैसे जनरेशन होगा वो मैं दिखाऊंगा एक चीज़ और है जो सबसे ज़रूरी है वो ये है फंगीसाइड वाटर विद मिक्स विद द फंगीसाइड इस वीडियो में फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट सब मिला दूँगा और जब वो बन जाएगा तब मैं आपको इसको शो करूंगा इकट्ठा ये है करना ये है आपको वन लेयर देन सेकेंड लेयर ओके एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू बिल्ड अ क्वेश्चन फॉर द सीट्स ओके बिकॉज आई शुड नॉट बी फील वेरी हार्ड एट द बॉटम नीचे बहुत हार्ड नहीं होना चाहिए उसके लिए ये है अगेन फॉर लेर आपकी बरसी आप करें चाहे ना करें मुझे मत कहिएगा कि तो इस तरह से ये बेड चार पाँच छः लेयर का आपने तैयार कर लिया अच्छे से देख लीजिए फंगीसाइड साइड इसमें डाल रखा था बहुत थोड़ा सा डाला था ज़्यादा नहीं डाला था मैंने तो इसको रखिए बिजनेस अब एक एक सीट जो है एक एक लाइन पे इसको लगाते जाइए डिस्टेंस कितना रखना है तो इस तरह से पेपर टावल पे आपको बिछा लेना है ये देख रहे हैं लगभग सौ से ऊपर सीड है थोड़ा तो नज़दीक है मेरे मैंने खुद से रखा है अपने नज़दीक एक एक सीड ये सही नहीं है शहद हो कि नहीं हो नहीं पता हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती कभी कभी लंगड़ा घोड़ा रेस जीत जाता है अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए किसी को ये होगी देखते हैं चलिए ट्राई करते हैं बस में उसको देखेंगे लेफ्ट कॉर्नर पे वहाँ निशान लगाते हैं देखते हैं वो है होता है कि नहीं होता चलिए ये यहां निशान लगा दे रहे हैं देखते हैं बाहर से भी तो मैंने थोड़ा तो नजदीक नजदीक किया है आपको नजदीक उतना नहीं करना थोड़ा तो एक डेढ़ एक आध इंच गैप है कर लीजिएगा थोड़ा फाइट करता है स्पेस में लेकिन आ, सही होता है वह मैं, मैं थोड़ा नज़दीक कर रहा हूँ आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा ये आपने कर लिया अब इसके बाद आपको ये करना है कि एक और लेयर ले, ले लीजिए ये और चिप मार करके इसको सिंगल एक परत कवर कर दीजिए एक किलो और डालिए माफ कीजिए करना है इसको चुप मारिए इसको बंद कर दीजिए रोज़ जो है इसको खोलिए उसमें ऊपर से मिस्टिंग करते रहिए देखिए जब आपका ये सूख रहा है तो टाइम टू टाइम ये डे वन हो गया है आप धीरे धीरे इसको मैं ऐड करता जाऊंगा वीडियो हर एक स्टेप के तो वो आप लोग तो देखते जाइएगा ये पूरा वीडियो जब तक ये जनरेशन होगा नहीं तब तक मैं इसको लॉन्च नहीं करूँगा एक एक पार्ट देने से कोई फ़ायदा नहीं है इसका और सक्सेस होती है तो बहुत अच्छा लगता है देखने में थैंक्स फॉर वाचिंग ये तीन दिन की बात अब चक्कर क्या है कि ये टिश्यू अच्छा खासा वेट हो चुका है और साफ से एक सीट उठा लेता हूँ देख लेता हूँ ये देखिए ऑटो फोकस पे है तो फोकस नीचे पे कर रहा है ये अब ये फ़ोकस करेगा इस पर ये रूट निकलना शुरू हो चुकी है इसकी तो एक काम करते हैं अब या इसको या तो आप एक एक करके इसको हटाइए लेकिन मैं हटाऊँगा नहीं इसको मैं ऐसे ही इसको रख दूँगा इसी में ही ठीक है इसको ऐसे ही रख दूँगा मैं चुप मार करके कुछ नहीं करूंगा ये मेरा अपना एक तरीका है मैं इसको क्लियर नहीं करूँगा हो ही गया ये क्लियर इसको इसमें चुप मार कैसे रख दूँगा करना अब आपको क्या है कि इसका टिश्यू पेपर जो है ले करके अब आपको दूसरा चेंज करना है क्योंकि ये बहुत वेट हो चुका है पानी भी तीन दिन से इसमें है तो फंगस वगैरह का कुछ वो हो सकता है तो फंगस के लिए फंगिसाइड से थोड़ा सा स्प्रे किया हुआ पानी इसके ऊपर आप स्प्रे कर दीजिए इसको चुप मार करके रख दीजिए फिर से और वो पोर्शन जो है वो मैं आपको इसके सेकंड पार्ट में दिखाऊंगा जब भी स्प्राउटिंग कर चुका होगा फिर तीन चार दिन उसमें और लगेंगे तो फिर से देख लीजिए यह है पोजिशन ये है तो इसको मैंने इसके ऊपर डाल दिया है जो बहुत भीगा वाला था उसको मैंने हटा दिया है क्योंकि अब जो है सीट को बहुत देर तक वेट नहीं रहना है ग्रेजुअली उसको हल्का सा मॉइस्चर धीरे 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 कम करते हुए जाना है आप एक तरीका और है कि इसमें से सीड लेके डायरेक्ट आप जो है किसी पॉट में जेलिनेट कर सकते हैं उससे भी निकल आएगा लेकिन उस मीडियम को ठंडा होना चाहिए नॉइस्ट होना चाहिए न्यूट्रल न्यूट्रिएंट होना चाहिए उसमें मतलब ये कि बहुत ज़्यादा हार्श केमिकल नहीं होना चाहिए कि जो कि इस तरह की सीट को डैमेज कर दें तो दूसरा पार्ट जब आएगा तो आप देखिएगा इस पहले और दूसरे पार्ट को जो है मैंने मर्ज कर दिया है ये तीन दिन के बाद का अपडेट है एंजॉय कीजिए थैंक फॉर वॉचिंग